खिलजी उछल पड़ा यह कह फौरन हुक्म दिया था। खिलजी उछल पड़ा यह कह फौरन हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया, गोरा झूम उठे क्षण बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का, बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा। यह बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आगे की खी तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वे सब आंधी बन जाएं और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वे सकुशल पहुंचाएं। अब आप तैयारी देखिए कि कितनी कठिन। पूरी सेना खिलजी की और ये चंद लोग, और उसके बाद भी अपने महाराज को महाराणा को किस तरह मुक्त कराने के लिए क्या संकल्प है कि उन्हें चित्तौड़ दुर्ग तक वे सकुशल पहुंचाएं। अगर भेद खुल गया वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना पहुंचे तो बढ़कर रण करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही कोगा काका रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। क्या तो गोरा है और क्या उसका भतीजा बादल। ऐसा ही होगा काका रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लो, हो न सके शायद अब मिलना अंतिम लाड़ लड़ा लूं। यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुनः बढ़े पथ पर गोरा सेनानी, ऐसा ना हो जाए कमजोर हो जाए। इसने कहा सावधान कह पुनः बढ़े पथ पर गोरा सेनानी, पहुंच लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, पहुंच लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रथ से लिखी हुई कुर्बानी। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नैन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, उसे अंदाजा था कि कुछ गड़बड़ है, ऐसे लोग नहीं है जो इतने आराम से मान जाएंगे। ये किरानी आ रही है और उसकी सखियां आ रही हैं, उसको संकट था। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब यह मिलन लखा समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल रणका बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की मानी राणा को समझाया, रणमत वाले को रोका जबरन चित्तौड़ पठाया कि आप तो जाई, राणा चले तभी शानी शाही सेना लहरा कर आई। राणा इधर चले उधर से शाही सेना को संकेत हुआ, कह रहे हैं तो राणा को इन्होंने मुक्त करा लिया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरो दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों बाल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा नववेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। वही जो सब बैठ के आई थी सखियों के वेश में, जो सबक सेनापति आए थे, जो सेना नायक आए थे, वो लड़ मरे। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर, न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह महाकाल बनकर गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश समर में बही रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, पर वे मानो रण में मृत्युंजय बने हुए थे। इतने सारे सैनिक और एक योद्धा, पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अरि ने छिप कर वार किया था, पैर पर तलवार मार दी। जो ही गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्ष आया। मगर वाहरे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। एक बार में ही सेना शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। जब उनके शीश समर भूमि में उतरते थे, जब उनके शीश समर भूमि में उतरते थे, वे ऐसे लोग थे जिनके कबंध लड़ते थे।
तो उनका कमंद उनका धड़ लड़ रहा। जफर मोहब जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लरजा, का धड़ लख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। अरे कायरो नीच बांगड़ो छल में रण करते हो, किस बूते पर जवा मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो अंबर से धरती पर अग्निशिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियों दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। क्या पंडित जी ने क्या उत्तम शब्द इस्तेमाल किया है, सदियों दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। अरिका भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया हाथों को केसरिया पगड़ी से, पेट फट गया और पगड़ी उतारी और इस पर बांधी। रंचक डिगा नभा प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से, अब बादल तूफान बन गया शक्ति बनी फौलादी। मानो खप्पर लेकर मैं रण में लड़ती हूँ आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस क्षण समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम अंत में वही कि जो होना था, उनको तो कण कण अरियों के शोणित में धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा शकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कट कर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी। क्या युद्ध है। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो ज्वलंत प्यारी मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़ धन्य गोरा बादल अभिमानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतत्व अभिमानी। धन्य धरा मेवाड़ धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतत्व अभिमानी। जिनके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी।